नहीं रुक रहा विमानों को धमकी मिलने का सिलसिला। आज भी करीब 10 विमानों के लिए थ्रेट कॉल, सभी की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो के 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी विमानों की आपात लैंडिंग कराई गई। आज विस्तारा को भी मिली थी धमकी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, दुबई से जयपुर आ रहा था विमान। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर, दंगे वाले मोहल्ले में लोग खुद ही हटा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। प्रशासन ने 23 घरों के अवैध निर्माण पर लगाया लाल निशान, 20 घर मुस्लिम परिवारों के हैं जबकि 3 हिंदू परिवारों के। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया, 20 अक्टूबर से प्रशासन शुरू करेगा बुलडोजर की कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के मुताबिक सड़क से 60 फीट के दायरे में आने वाले घर का हिस्सा अवैध, राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर का 20 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर बना। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी को दी गई विस्तृत रिपोर्ट, एडीजी, डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर, एसीएस, होम से सीएम ने ली जानकारी। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, अखिलेश को देखना चाहिए कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी और आज उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग हुई फाइनल, बीजेपी 155 से 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीटों पर तो 50 से 55 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र में मुंबई में बीजेपी 18 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट 16, अजीत पवार की एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी अजीत पवार गुट ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया, दिलीप वलसे पाटिल के नेतृत्व में 18 सदस्य बनाएंगे घोषणा पत्र। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा, सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस के नाना पटोले के अड़ैयल रवैये से नाराज। मुंबई में आज शाम 5 बजे एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख नेताओं की बैठक, शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल समेत कई नेता रहेंगे मौजूद, चुनावों को लेकर होगी चर्चा। सीट बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया, शिवाजीनगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को टिकट। बीजेपी पर अखिलेश का बड़ा हमला, बोले महाराष्ट्र में अगर ये लोग हारे तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी, पता नहीं बीजेपी के साथ ही नीतीश और नायडू कब साथ छोड़ दे। उपचुनाव को लेकर एक्शन में योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्रियों के साथ की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। यूपी उपचुनाव में 2 सीट मिलने से कांग्रेस नाखुश, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सपा ने वो 2 सीटें दी जिसे जीतना मुश्किल, मुझे सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं।